हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा स्टाइल जोन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज है यहाँ पर डे ट्यूसडे और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और मेरा घर का ऑलमोस्ट सारा ही काम हो चुका है, तो आज का शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है बिकॉज आज मुझे विराज को लेके जाना है वैक्सीनेशन के लिए। एंड यहाँ पर देख लीजिए दोनों भाई आपस में कैसे खेल रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। एंड विराज को प्रत्युष से पता नहीं वो बॉल वॉल के लिए कुछ दोनों का लड़ाई हो रहा है यहाँ पर। एंड बस गाइस, ऐसे ही दिन स्टार्ट हो गया है तो मैंने सोचा चलो व्लॉग करते हैं। तो विराज के 2 ईयर्स का वैक्सीनेशन के लिए मुझे आज जाना है हॉस्पिटल, तो मैं वो कुछ क्लिपिंग ऐड करूँगी। तो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल में। एंड अभी वैक्सीनेशन लगा रही है विराज को, कुछ देर में लगेगा, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं बिकॉज़ विराज शायद बहुत रोने वाला है, तो कुछ ऐसा सीन है। एंड बस, और अब हम आ गए हैं घर, और घर आकर मैं विराज के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो मम्मी ने खाना वाना बना लिया था, वो इसलिए बिकॉज़ विराज को वैक्सीन लगाया तो कुछ देर के बाद इसको फीवर होगा ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो बस ऐसा ही सब कुछ है। एंड विराज को लगभग बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आया और दर्द उसको थोड़ा बहुत ही था, तो वो अभी ठीक है। एंड यहाँ पर मेरी तीज की प्रिपरेशन चल रही है और मायके जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर अपने फेस पर लगा रही हूँ होममेड कुछ रेमेडीज़। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोग सब भी यूज़ करते होंगे बेसन दही, और ये मैं अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ यहाँ पर। एंड कल हमें मायके के लिए निकलना है, मुझे बच्चों को लेके, बच्चे भी जाएंगे और ऑब्वियसली जाएंगे ही वो, तो मैं मायके जाने के लिए यहाँ पर मैं तब तक थोड़ी सी पैकिंग भी कर लेती हूँ और मेरा फेस पैक भी तब तक सूख जाएगा। तो आज का शेड्यूल पूरा दिन बहुत बिजी था, तो कुकिंग वुकिंग का कुछ भी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो जो जो समझ में आया वो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर क्लिपिंग निकाली है आप लोगों के लिए, सो दैट कि आपको मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता रहे। तो हरतारी का तीज का फेस्टिवल अब आने ही वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्यूसडे को मैंने शूट किया था शुरू, तो इसी व्लॉग में आगे मैं आपको हड़ताली का तीज का भी दिखाऊंगी बिकॉज लंबा जाने वाला होगा ये मेरा शूट। एंड बस, अब मेरा फेस ड्राई हो चुका था पैक, तो मैं उसको धो लिया है मैंने अच्छे से, तो बस अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तो गाइज, ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग और बच्चे दोनों रेडी है और मेरे जो सामान है वो भी ऑलमोस्ट सब पैक हो चुका है यहाँ पर। एंड तो ये मुझे कुछ बोलने नहीं देगी, सिस्टर की बेटी है तो ये खुद ही यहाँ पे सब कुछ बोलेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रत्युष, यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इनकी, मेरी सिस्टर की बेटी है, ये परी है, इसका नाम, हेलो करो परी। हेलो। ये प्रत्युष, एंड शी इज माय सिस्टर दिव्या। आई थिंक हम पहली बार इससे मिल रहे हैं, तो अभी मैं मायके जाके भी इससे आपको अच्छे से मिलाऊं। हेलो गाइस, तो घर तो बहुत पहले पहुंच गए थे, खाना वाना हम सबका हो गया और हम लोग सिस्टर लोग बैठ के गप्पे कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं मिलाती हूँ आपको शिका जी से। तो आप लोग पहले मुझे कैमरा स्टार्ट होने की दे रही है, उनकी हंसी छूटती है, लुक मैं अभी दिखाती हूँ आपको। शिका जी, हाय। शिका जी, शिका आप भी बोल दो सबको हाय। तो वो आपको कुछ बोलेगी और बहुत प्यारी और क्यूट है, तो आप देखिए वो कैसे आप लोगों को बोलती है। तो गाइज, मायके जाने की एक्साइटमेंट तो आप लोगों को पता ही है कैसी होती है, तो और बच्चे नानी के यहाँ के कितना खुश हो जाते हैं। एंड इवनिंग का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है विकास नगर में, ओ माय गॉड, और ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। एंड गाइज, ये है उससे नेक्स्ट डे की क्लिपिंग, लाइक ट्यूसडे, एंड ये वेडनेसडे की क्लिपिंग है। और मैं और शिकादी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तीज की थोड़ी बहुत शॉपिंग शिकादी की भी रह रखी थी और मेरी भी थोड़ी बहुत, मुझे कुछ लेना था। एंड दिव्या तो वो अपने घर निकल चुकी है वापस, वो आज निकल गई थी। एंड हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने तीज के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये सब कुछ मैंने तीज के लिए ख़रीदा है, ये 2 कुर्तीज़ मैंने ख़रीदी है, और साड़ी जो ये है ये मेरे पहले की सगाई की साड़ी है,
तो ये सब मैंने यहाँ पे ख़रीदा है। चूड़ी वगैरह खरीदे थे, बिंदी वगैरह, आप लोगों को पता ही है, और भी बहुत सारी चीज़ ख़रीदे हैं, बट अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ है वो सामान, कुछ अता पता ही नहीं है। एंड ये तीज के दिन का है मेरा व्लॉग, और अब हम रेडी हो चुके हैं और मम्मी कर रही है यहाँ पे पूजा। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मम्मी ने बनाया है बालू का शिवलिंग बनता है इस दिन। एंड सबको पता होगा जो लोग हरतालिका तीज का फास्ट रखते हैं, और ये दिया हम तीनों का जल चुका है, मेरा, शिखा दी का, मम्मी का। एंड मम्मी यहाँ पे पूजा की पूरी प्रिपरेशन कर रही है, और अब यहाँ पर मम्मी जो है हमें हरतालिका तीज की कथा पढ़कर वो सुना रही है, तो थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर दिया है इसमें भी। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर व्लॉग शूट नहीं किया, जो जो मुझे समझ में आया जल्दी जल्दी शूट किया, बिकॉज फास्ट का दिन होता है। एंड आप सब लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं, पानी भी नहीं पिया है अभी तक। एंड पूजा होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे पानी वानी पियेंगे, तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। एंड मैंने थोड़े थोड़े क्लिपिंग निकाले हैं यहाँ पर, और अब आरती होगी और उसके बाद हम अपना फास्ट खोलेंगे। एंड मम्मी, मैं और दी है यहाँ पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ करना इस टाइम ठीक भी नहीं है। एंड तो आप लोगों ने कैसे अपने अपना तीज का ये व्रत सेलिब्रेट किया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ गाइज, मेरा मायके आने का जो प्लान था वो सडनली बना है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले इसका अपडेट नहीं दे पाई। और जो मैंने लाइव जो मैं कल गई थी तीज के व्रत के दिन, वो भी मैं पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया मैंने आप लोगों को, एकदम सडनली मैंने प्लान किया कि चलो लाइव जाते हैं। एंड यहाँ पर मम्मी अभी भजन गा रही हैं, एंड उन्होंने बोला है कि पहले हम 5 भजन गाएंगे एंड उसके बाद ही फिर हम लोग वो जो भी हमारा डांस वांस का प्रोग्राम होगा वो करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो आप लोग भी मम्मी का भजन थोड़ा बहुत सुन लीजिए। एंड उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप एक बार सुनिए तो आप लोगों को पता चलेगा। एंड हम लोग बहुत गर्मी हो रही थी, तो हम लोग बाहर बैठ के यहाँ पर भजन भजन गा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं मम्मी का भजन। बहुत भयंकर भजन गाया है मम्मी ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर भजन अभी कंटिन्यू है, और मैं भी मम्मी के साथ भजन में बैठ गई हूँ। एंड दीदी तो पहले से थी, एंड बस उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ फलाहार करेंगे और उसके बाद फिर हम डांस वांस करेंगे। एंड मैं बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग यहाँ पर ऐड करूँगी डांस की, बिकॉज फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है। एंड शिखा दी यहाँ पे डांस कर रही है, एंड उसके बाद मैं भी थोड़ा सा डांस करूँगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, अपना तीज सेलिब्रेशन जो मैंने मायके में सेलिब्रेट किया। एंड अभी भी मैं मायके में ही हूँ कुछ दिनों के लिए। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों ने कैसे अपनी तीज सेलिब्रेट की, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड होप यू एंजॉयड माय व्लॉग। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपको अपने किसी न्यू व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय गाइज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।